गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ गुड़गांव की डिस्ट्रिक्ट जेल। जो मेरे पीछे बैक साइड में रास्ता देख रहे हो, उधर साइड में मैं फोन को करके वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि सामने जो है पुलिस वाला बैठा हुआ है और इसी वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये है गुड़गांव की डिस्ट्रिक्ट जेल, भौंडसी में पड़ती है। आज मॉर्निंग में जब मैं घर से निकला तो एक राइड मेरे पास भौंडसी की आ गई, लेकिन दूसरी ये है डिस्ट्रिक्ट जेल के मेन एंट्रेंस पे है। तो बंदा शायद उल्टी राइड बुक कर दिया, वो यहाँ से सदर बाज़ार के लिए बुक कर दिया, उसको शायद सदर बाज़ार से यहाँ आना था। तो खैर जो भी है, राइड अभी मेरे पास में पड़ी हुई है। या तो कस्टमर कैंसिल करेगा या मैं वेट कर रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम होता है, कस्टमर करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो मैं कर दूँगा। तो मॉर्निंग की जो पहली राइड थी मेरी, वो गुड़गांव से मिली थी और अभी मैं हूँ भौंडसी में। तो यहाँ से कोई राइड मिलेगी तो देखते हैं, नहीं तो खाली जाना पड़ता है यहाँ से। तो वैसे 2 राइड मैं अभी तक कर चुका हूँ। तो कस्टमर की राइड को मैं कर चुका हूँ कैंसिल और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधे राजीव चौक टू सोना रोड, जो मेरे पड़ेगा ये सामने वाले रास्ते पे। और चलते चलते अगर कोई राइड आ गई गुड़गांव साइड की, सोना साइड की, तो मैं नहीं लूँगा। सोना बहुत लंबा पड़ जाएगा और उधर मेरे को चार्जिंग पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। गुड़गांव साइड की मिल जाएगी तो मुझे गुड़गांव जाना ही है, तो राइड भी लेके चलूँगा। चलते हैं फटाफट से सोना रोड की तरफ। आधे गुड़गांव में घूम फिर के मैं आ चुका हूँ सेक्टर 15 पार्ट 2 में। और अभी मेरा जो स्कूटर जो है उसमें 37% बैटरी है। टाइम हो चुका है 2:02। तो अभी मेरे को जाना है राजनगर। राजनगर में क्या मेरे को लगाना है स्कूटर चार्जिंग पे। अगर राजनगर साइड की कोई राइड मिलेगी तो उसको लेके चलूँगा। मैं हर लोकेशन पे ना 10 मिनट ही वेट करता हूँ। 10 मिनट में राइड आ जाती है ठीक है, नहीं तो मैं फिर उधर की तरफ निकलता हूँ जिधर चार्जर रहते हैं। 2 रास्ते हैं, तो सेक्टर 18 की तरफ की राइड मिल जाए तो 18 में चार्जर है, या फिर सेक्टर 10 की तरफ की मिल जाए 10 में चार्जर है। देखते हैं, सेक्टर 40 ले लेते हैं इसको। पर नहीं, शांति नगर, शिवाजी नगर, बहुत दूर का पिकअप है। उतना ही पिकअप है, 3 किलोमीटर ही ड्रॉप है। तो वहीं शांति नगर ही चला जाऊंगा तो फिर चार्जिंग पॉइंट ही आ जाएगा। कापासेड़ा बॉर्डर कांचोकरी लेके पहुंच गया राइड और स्कूटर में बैटरी बच गई 25%। अब दूर दूर की राइड आ रही है 200 रुपया 150 रुपया ना, जो गौर पटेल नगर दिल्ली। ये रास्ता तो अनजान, मैं पहली बार आया उस रास्ते पे। हालांकि मैंने पुलिस वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ ये रास्ता सीधा निकलता है कापासेड़ा बॉर्डर। मेरे को जाना भी कापासेड़ा बॉर्डर की तरफ से जो है सेक्टर 23 जो है चार्जिंग पॉइंट है वहाँ पे। तो अभी मैं चल रहा हूँ, अगर साइड का कुछ मिलेगा तो देखते हैं, नहीं तो खाली चला जाऊँ। और ये देखो दोनों साइड में ना बहुत बहुत फार्म हाउस हैं, अलग अलग, किसी के बंद है किसी के चालू हैं। लेकिन ऐसा भूत बंगला जैसा रास्ता लग रहा है। अगर यहाँ रात को निकलना पड़े तो सोचना पड़ेगा निकला जाए या नहीं निकला जाए। और ये आ गया फन फूड विलेज वाला रोड और यहाँ देखो गाना बज रहा है, इसको मेरे को काट के निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। साइड में फन फूड विलेज कापासेड़ा बॉर्डर, ये देखो। अच्छा ये रास्ता है, ये यहाँ पे फन एक्टिविटी है, ये 365 दिन चालू रहता है। सर्दी में तो कम ही चलता होगा लेकिन हाँ गर्मी में मत चलता है। ये एंट्री टिकट होती है शायद 500-700 से तो होती होगी इसके एंट्री टिकट। ये रास्ता देखो मंडे टू फ्राइडे इतनी भीड़ रहती है इस पे, और आज देखो कितना खाली खाली पड़ा हुआ है। इसी रास्ते को क्रॉस करने में आधा पौना घंटा चला जाता है कई बार, और अभी की कंडीशन में देखो पैर भी टेकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ ओला के अपने स्कूटर को चार्जिंग पे लगाने के लिए। और ये देखो यहाँ पे 5 चार्जर लगे हुए हैं और ये हो गया मेरा 20%। और ये कितना दिखा रहा है, 3:40 पे जो है ये है 70% 3:40 पे। हाँ 3:40 पे 70% हो जाएगा क्योंकि 2:53 हो चुकी है। फोन मैंने यहाँ बांध रखा है जुगाड़ करके और अभी मेरे पास में है तकरीबन 40 मिनट। 40 मिनट क्या करेंगे, जो आज की कुछ वीडियो है उनको इंपोर्ट करके कर लेंगे उतने का उतना एडिटिंग, क्योंकि यहाँ पे और कोई मेरे पास काम नहीं है। पहुँच चुका हूँ यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट पे जो सेक्टर 10 में है और स्कूटर को लगा दिया चार्जिंग पे। 10% ही बैटरी बची थी तो क्योंकि मैं इसको घुमा दिया ज़्यादा। वैसे मैंने ये सेक्टर 23 में चार्ज किया था, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ की उल्टी पुल्टी राइड आ गई, मेरे को तो याद भी नहीं। हाँ पहली राइड आई इफ्को चौक की, इफ्को चौक से दूसरी राइड आई मोहम्मदपुर की,
मोहम्मदपुर से तीसरी राइड आई राजीव चौक की, राजीव चौक से चौथी राइड आई रेलवे स्टेशन की, रेलवे स्टेशन से राइड आई नोबल इनक्लेव की, और नोबल इनक्लेव से आई सेक्टर 15 की, और 15 से फिर मैं राइड को ड्रॉप करके और आईडी बंद करके यहाँ चार्जिंग करने, क्योंकि बैटरी बची नहीं थी। हालांकि राइड तो लंबी लंबी आ रही थी। इस टाइम पैसा अच्छा देते हैं, दोपहर में कम देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इस टाइम अंधेरा भी हो जाता है और फिर देखने में दिक्कत होती है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फाइनली 9:30 बज चुके हैं और घर में पहुंच चुका हूं, और जैसे कि मम्मी आई हुई थी मामा के यहां से, तो कुछ सामान वामान लेने के चक्कर में मैं हो गया थोड़ा सा लेट। और यहां देखो ये है चीते। ए चीते क्या हो रहा है, क्या खा रहा है? रसगुल्ला। ओ माय गॉड, मिठाई वितरण चल रहा है। तू नहीं खाई है मिठाई, तेरे खांसी हो रही है, ठीक है ना? तो अभी मैं चल रहा हूँ हाथ मुंह धोने के लिए, और उसके बाद खाता हूँ फटाफट से खाना, भूख लगी बहुत जोर से।